नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आजकल हर जगह हमें टीवी पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे या फिर हम न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़े, कहीं पे भी हमें हर जगह कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्टेड भी हो रहे हैं और दुख की बात यह है कि अभी तक इसका कोई ऐसा मतलब कंट्रोल नहीं मिल पाया है या फिर ऐसा कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन को रोका जा सके। लेकिन इन्फेक्शन को रोकने के लिए और ख़ुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम आजकल हैंड वॉश का भी काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं कि अगर हम अच्छे से हैंड वॉश करते हैं तो हम खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उनको भी इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम हैंड वॉश की बात करते हैं तो जनरली हम हैंड वॉश कैसे करते हैं? हम जनरली अगर साबुन हमने लिया या फिर कुछ भी लिया तो हम जनरली ऐसे हैंड वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम उस स्टेप को वहीं ओवर कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर हैंड वॉश जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से जो 5 या 7 स्टेप्स जो उन्होंने बताए हैं, आज मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगी जो कि जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, जो कि सिर्फ 15-20 सेकंड्स का ही होता है लेकिन आपको वो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आप आते भी हैं तो उसके बाद आप अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और आपके साथ जो भी रहते हैं उनको भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं हैंड वॉश की कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने हाथ को पानी से गीला करते हैं। उसके बाद हमने साबुन लिया या फिर आप जो भी हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो आपने वो अपने हाथ पे लगाया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप अपने जो दोनों हथेलियां हैं उसको रब करते हैं, यानी जो आपकी पाम है उसको आपने रब किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने एक हाथ की डॉर्सल एरिया यानी जो आपका बाहर वाला हिस्सा होता है, जनरली हम इसको वॉश नहीं करते, तो इसमें जो सेकंड स्टेप यही है कि आप अपने डॉर्सल एरिया पे भी आप ऐसे ऐसे अपने हाथ को रब करेंगे। सेम वाइस वर्सा आप दूसरे हाथ से भी अपने दूसरे हाथ को ऐसे रब करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आप अपने हाथ को ऐसे यानी जो इंटरलॉक करेंगे, अपने दोनों हाथ फिंगर्स को आप इंटरलॉक करके ऐसे रब करेंगे इससे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने नकल्स को यानी जो हमारा ये वाला एरिया होता है हम इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो ये भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हमें इस वाले पार्ट को भी वॉश करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को यानी जो फिंगर्स हैं इसको इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद हम कैसे इसको वॉश करेंगे, हम इसको ऐसे यानी हमने इंटरलॉक कर लिया तो हम इसको ऐसे वॉश कर रहे हैं और दोनों हाथों का करेंगे, तो इससे जो हमारा ये वाला एरिया है ये भी वॉश हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमने अपनी उंगलियां वॉश कर ली, हमने डॉर्सल एरिया भी वॉश कर लिया, हमने अपने नकल्स भी वॉश कर लिए, बट जो हमारा थंब है हम उसे वॉश नहीं करते, उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो हमें अपने थंब एरिया पे भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपने थंब को भी क्लीन करना है। आप अपने थंब को सर्कुलर मोशन में ऐसे रब करेंगे तो आप अपने थंब पे भी ध्यान देंगे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे जो ये टिप्स हैं, जो हमारे टिप्स होती हैं हम उस पे भी साबुन ऐसे नहीं रब करते, उस पे भी ध्यान नहीं देते। अगर किसी के नेल्स बड़े हैं तो वो उसमें भी कुछ जर्म्स हो सकते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे और उसको अपनी जो हथेली है जो पाम है उस पे ऐसे रब करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप ये है। एंड द लास्ट स्टेप इज कि आप अपने रिस्ट को जो आपका रिस्ट जो कलाई होती है आप उसको ऐसे रब उसको भी ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे रब करेंगे, ठीक है। उसके बाद द लास्ट स्टेप इज कि आप अपने हैंड को वॉश कर लेंगे, जो भी आप पानी में वॉश करते हैं तो आप अपने हैंड को उसके अकॉर्डिंग वॉश कर लेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये WHO की तरफ से बनाए गए हैं, सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, लेकिन ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो मेरी आज की वीडियो में अभी एंड में मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो आप अभी वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको हैंड वॉश करना है। बाकी यहाँ मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ऐसे ही और वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अभी ये हैंड वॉश की टेक्निक आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।